हेलो गाइस, का सो मच का नई वीडियो लेके आज गाइस मैं जा रहा हूँ पोचिंग की में। और भाई ऊपर देखता हूँ आसमान में तो एक स्कॉट दिखती है मेरे को सिर्फ आती हुई, जो कि फाइव हाउस की तरफ जा रही है। तो भाई सबसे पहले लैंडिंग कर लेते हैं यहाँ पे और भाई गन के लिए भटकेंगे। यहाँ पे मेरे को उतरते के साथ ही मिलती है AKM, लेवल एक का हेलमेट मिल चुका था, यहाँ पे लेवल दो का बैग भी और एनर्जी ड्रिंक मिलती है एक, फिर स्मोक ग्रेनेड मिलता है, स्टन भी उठा लिया था मैंने आज, जिसका मैं यूज नहीं करने वाला, पता नहीं क्यों उठाया फिर मैंने। और यहाँ पे गाइस अभी थोड़ी सी और लूट करूंगा मैं, क्योंकि भाई लेवल दो की वेस्ट तो यार कम से कम मिल जाए तो सेहत के लिए थोड़ा सा अच्छा होगा। और भाई फाइव हाउस की तरफ से फायरिंग की साउंड आने लगी थी काफी बुरी, तो यहाँ पे मैं वेस्ट भूल जाता हूँ थोड़ी देर के लिए और भाई सीधा जाके बंदों पे रश मार दूंगा इससे पहले कि सारे किल चले जाएं और फिर हमें कुछ मिले भी ना। अब यहाँ पे मेरे को फुटस्टेप्स आने लगे थे बंदे के सामने से, और भाई एक और बंदा दिखता है मेरे को इन वाले घरों में, लेकिन इसको बाद में देखेंगे, पहले ऊपर एक बंदा शॉटगन चला रहा है उसे देखते हैं पहले। अब यहाँ पे इस वाले बंदे को तो मैं फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे गाइस थोड़ी देर में रुक रहा था कि भाई बंदा करेगा क्या आगे, और भाई बंदा नेट का पिन खींच देता तो यार रश मारना पड़ता फिर मेरे को, क्योंकि पता चलता मैं वहां पे खड़ा रहता और भाई नेट से वो फोड़ देता मेरे को। खैर बंदा भी भाई मेरे लिए बिल्कुल रेडी था, यहाँ पे बंदा भी यार काफी डैमेज देता है मेरे को, लेकिन मैं उसे फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे गाइस लूट कर लेते हैं और भाई हीलिंग करूँ मैं जल्दी से, और फिर जाके रश मारेंगे उस वाले बंदे पे जो मेरे को दूसरी साइड दिखा था ब्लू से कपड़ों में। और भाई ये वाले कपड़े लेने का मन कर रहा मेरा, तो क्यों ना ले जाए। तो अब गाइस मैं दूसरी तरफ आता हूँ, यहाँ पे बंदों को ढूंढ ही रहा था कि भाई फुटस्टेप्स आ जाए, फुटस्टेप्स आते हैं मेरे को सामने वाले घर में से, और यहाँ पे भाई देखना भी स्कैम होने वाला है। अगर यहाँ पे इस वाले बंदे की रिलोड पे नहीं जाती ना ये पक्का नोक कर देता मेरे को। और फिर ये वाले भैया जी भी आई जाते हैं हमारे ताऊ जी, लेकिन इसको भी हमें फिनिश कर देता हूँ मैं। और भाई अब लूट करते हैं दबा के और भाई निकलेंगे फिर इधर से, क्योंकि और बंदे थे ही नहीं पहुंचेंगे मैं, एक तो बोर्ड थे उन्हें निपटाएंगे और फिर निकल लेंगे। अब यहाँ पे गए हम आते हैं रोजोक में, साइड से फायरिंग की साउंड आ रही थी और एक बंदा मेरे को दिख जाता है उस सामने वाले घर की छत पे, तो इसको मैं यहाँ पे हल्का सा डैमेज देता हूँ और भाई गाड़ी रोकते और भाई सीधा घुस जाता है घर में। अब भैया जी यहाँ पे हीलिंग कर रहे थे इतने खतरनाक टाइम पे, और यहाँ पे नीचे से इन बंदों के हाथ दिखते हैं मेरे को, रिवाइविंग चल रही थी। और अब एक ही बंदा बचा है जहां तक बीएस वाले घर में, जो कि रिवाइव कर रहा था, तो भाई घुस जाते हैं। खतरनाक ही टीपी भी लेता भाई, मेरे को लगा बंदा खिड़की से झाकेगा लेकिन गेट से आ जाता है, तो भाई इसको भी यहाँ पे खत्म कर देते हैं। लेकिन भाई ये वाला बंदा गलत है टीपी भी लेता, क्योंकि भाई इसने बिल्कुल भी फुटस्टेप्स नहीं दिए थे मेरे को, लेकिन मेरे को ये पता था कि यहाँ पे एक और बंदा होगा, क्योंकि भाई जब इन बंदों के मेरे को हाथ दिख रहे थे नीचे से हल्के से खिड़की में से, तो वहां पे मैंने नोक वाले बंदे को पहले मारा जिससे कि एक्स्ट्रा किल मिले। अगर मैं पहले इसे मार देता तो भाई एक एक्स्ट्रा किल नहीं मिलता। अब यहाँ पे गाइस ड्रॉप आई थी, ड्रॉप के पास एक गाड़ी भी खड़ी थी, लेकिन इसको हम इग्नोर मारते क्योंकि भाई एक गाड़ी वहां पे भी दिखती है हमें और बंदे भी। तो यहाँ पे गाइस इन दोनों बंदों को मैं हल्का सा डैमेज देता हूँ, और प्लान था मेरा इस वाले बंदे को निपटाने का जो कि वहां पे छत पे चढ़ा हुआ है। लेकिन अब पता नहीं यार वो कहाँ गायब हो गया, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसी छत पे है, लेकिन शेक के बिल्कुल जस्ट पीछे लेटा जिससे कि हमें ना दिखे, क्योंकि भाई मेरे को जंप लगाने की साउंड नहीं आई है। और अब गाइस मेरे को एक बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं इधर की साइड से, जो कि एक और बंदा था यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको मैं नोक करता हूँ और पीछे से भाई फायरिंग की साउंड आने लगती है। और यहाँ पे गाइस मैं सोचा था कि एक नेट फेंक दूं उस वाली छत पे, क्या पता उसका बंदा वहां पे हो, लेकिन पीछे से भाई हमारे ऊपर फायरिंग होने लगती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बंदे को नोक कर देता हूँ, और प्लान था कि गाड़ी लेके, उन वाले बंदों पे रश मार दूं मैं, क्योंकि इस वाले बंदे को इग्नोर करते हैं भाई वैसे भी मेरे को नहीं दिख रहा, और हो सकता है उस कारल वाले ने इसे निपटा दिया हो। तो यहाँ पे यार मैं जाता हूँ पहले इन वाले बंदों पे रश मारने जो कि ड्रॉप के पास थे, और यहाँ पे मेरे साथ स्कैम होने वाला है।
इसलिए भाई डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि अगर तुम बिल्कुल चिपक के निकलते हो ना बंदे के पास से गाड़ी में, बहुत बुरा मरते हो भाई। मतलब गाड़ी में मारना सबसे इजी है अगर तुम प्रिकॉशंस नहीं लोगे, लेकिन यहाँ पे मेरा टीममेट संभाल लेता है। और यहाँ पे यार इसके कपड़े चुराएंगे लाल वाले। और फिर गाइस हम आते इधर की तरफ, साइड से फायरिंग की साउंड आ रही थी, तो भाई चलते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे गाइस खतरनाक क्लच होने वाला है, देखो बस भाई क्या ही गाड़ी किसका है यार, हमारे वाले से भी बढ़िया सी लग रही है। तो भाई नेड़ वेड़ फोड़े जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे गाइस मैं समझ चुका था कि भाई गाड़ी के अंदर से कुछ नहीं होने वाला, शायद मैं ही नोक हो जाऊं। तो यहाँ पे मैं गाड़ी से उतरता हूँ और एक बंदा यार इस ब्रोकन वॉल के पीछे है, इसे पकड़ते हैं पहले। और यहाँ पे देखना बस प्रोन एंड शूट। तो यहाँ पे इन दोनों बंदों को मैं खत्म कर देता हूँ, लेकिन भाई एक बंदे के इधर से फुटस्टेप्स आए थे। खैर अब तो इसको भी यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ मैं हेडशॉट के साथ, और इसके भाई लूट लेते हैं। पहले मेरे को लगा कि M249 वाला बंदा ये है, लेकिन भाई M249 वाला बंदा ये नहीं है, M249 वाला बंदा वो है, वो ग्रीन से कपड़े जो पहन कर रखा वो नए वाले जो है क्रेट में। तो भाई वो मेरे को चाहिए यार कपड़े, भले M249 ना लूं एक बार को, वैसे मैं लूंगा, ऐसा नहीं छोड़ने वाला भाई मैं M249, लेकिन हाँ कपड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पे। वैसे गाइस ये भी सही जुगाड़ है कि भाई तुम बंदे मार के कपड़े ले लो, फालतू में क्रेट ओपनिंग में पैसे क्यों खर्चने हैं ना। लेकिन बढ़िया से कपड़े यार कभी कभी मिलते हैं, मतलब किसी किसी बंदे के क्रेट में सिर्फ। अब यहाँ पे गाइस हल्की सी देर के लिए अगर तुमने देखा हो ध्यान से, तो भाई एक ड्रॉप दिखी होगी तुम्हें, फ्लेयर मंगाई जा रही है भाई बिल्कुल साइड में ही। तो भाई चलते हैं वहां पे, सामने फ्लेयर है। भाई तो बुरा मान गया यार, तो यहाँ पे गाइस मैं एक बंदे का तो नोक कर लेता हूँ, बाकी को भी मैंने डैमेज दिया। लेकिन यहाँ पे M249 रिलोड पे जा चुकी थी, रिलोड करता हूँ मैं और वापस चलते हैं फिर। और यहाँ पे फाइनली गाइस इस वाली स्क्वाड को खत्म कर देते हैं भाई, इनकी दो दो ड्रॉप अप हमारी हो चुकी हैं, जो मर्जी हम लेंगे। लेकिन यार मेरे को लूट की वैसे जरूरत नहीं है, मेरे पास M249+AWM है। तो यहाँ पे गाइस रिलोड वगैरह करता हूँ मैं, थोड़े से एमो लूटूंगा। और यहाँ पे भाई साइड से फायरिंग की साउंड आने लगती है और मेरे टीममेट को कोई नोक कर देता है, वो भी तांत्रिक। भाई तांत्रिकों से बचकर रहना ठीक है, बिल्कुल मंत्र वंत्र ना फूंकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। और मेरा टीममेट वहाँ पे फंस चुका है और एक बंदा मेरे को हल्के से दिखा था इधर से आता हुआ। तो मैं अपने टीममेट को रिवाइव ना करके पहले इस वाले बंदे को देखता हूँ, क्योंकि अगर मैं रिवाइव के चक्कर में रहता ना, तो भाई ये साइड से आके मेरे को निपटा देता और उधर से और बंदे भी फ्लैंक मार देते। तो अच्छा हो भाई मैंने ये वाला डिसीजन लिया यहाँ पे कि इस वाले बंदे को पहले निपटाने की सोची मैंने। यहाँ पे मैं M249 रिलोड करता हूँ, अपने टीममेट से कहता हूँ कि भाई थोड़ा सा कवर में मेरे पास आ जा, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे आया ना तो भाई हो सकता है वो बंदे भी नेड फेंके और क्या पता दोनों फट जाए, है ना। तो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हैं, अपने टीममेट को मैं बुलाता हूँ, स्मोक कर देता हूँ इसकी प्रोटेक्शन के लिए और थोड़े से नेड फेंक दूंगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे नहीं वहाँ पे फेंके मैंने पेड़ के पास। और अपने टीममेट को भाई रिवाइव कर लेता हूँ फटाफट। और सामने की तरफ भाई स्मोक होने लगा है, जैसे कि आपने देख लिया होगा, इसका मतलब भाई बंदा आसपास आ चुका है। और यहाँ पे गलती से लोटोस में हो जाते हैं मोली, क्योंकि भाई लोटोस में मैंने स्मोक फेंका था, तो भाई लोटोस में हुआ पड़ा था, मैंने ध्यान नहीं दिया फिर। लेकिन यहाँ पे फिर हाई टोस में फेंकता हूँ एक मोली में। और अभी यार मेरे को ये लग रहा था कि लास्ट वाले दोनों बंदे यहीं पे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे गाड़ी लेके मैं जाता हूँ स्मोक की तरफ। स्मोक में मैं अंधी फायरिंग बजाता हूँ, लेकिन फिर साइड में बंदा भी दिख जाता है, तो भाई फिनिश कर देता है इसे और अब निकलता है इधर से, क्योंकि भाई जोन आ चुका है, भाई बहुत गंदी हेल्थ खाएगी और मैं नहीं चाहता कि लास्ट वाले बंदे को फोकट में चिकन डिनर मिले। और यहाँ पे गाइस मैं लास्ट वाले बंदे को अब ढूंढ ही रहा था और भाई पीछे से कोई नेड़ फोड़ता है, तो भाई घुमाते गाड़ी। तो यहाँ पे गाइस नेड़ इधर कहीं से ही आया होगा, क्योंकि भाई बिल्कुल आसपास से फेंका कहीं बंदे ने, तो हम यहाँ पे ढूंढ ही रहे थे। और पिन खींचने की साउंड आती है, एक और नेट फेंकना चाहता भाई बंदा, लेकिन यहाँ पे गाइस इसे फिनिश कर देते हैं। अब गाइस ये था आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मार दो, सब्सक्राइब कर लो जो नए बंदे हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ गाइस फेस कैम के साथ हॉरर गेम प्ले का सेकंड पार्ट आ चुका है मेरे सेकंड वाले चैनल पे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी।